ना ना रोई ना रोई ना। फिर इंडियन एम्बेसी को एक फॉर्म फिल करके देना होता है। ये सब सेटिंग हो रही है ना, आज कोई जा रहा है यहाँ से कनाडा से इंडिया जाना है इन दिनों में, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए टेस्ट कराना पड़ता है। वो टेस्ट आप दे के आओ, हम दोनों लोग गए थे टेस्ट करा के आए थे, टेस्ट करा के आगे फिर उसकी रिपोर्ट जो है ना वो 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स में आती है। तो कल रात को हमारी जो रिपोर्ट है ना वो ऑनलाइन आ गई थी। अगर वो टेस्ट की रिपोर्ट आपके पास में नेगेटिव नहीं है तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते। ये अभी इन दिनों में कनाडा का रूल है, तो पहले जाओ देख के आओ। वैसा बस गोल गोल घूमना है, गोल गोल घूम के बाद में अपनी कार में बैठे रहना है, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, कार में बैठे बैठे ही आपका टेस्ट हो जाएगा। क्या ही क्या होता है ना, कभी कभी बंदा अपनी नाक नहीं साफ करता, इसकी नाक साफ हो गई है। एक्चुअली यहाँ पे टेस्ट हुआ है ना, ये है मैनिटोबा पब्लिक इंश्योरेंस वालों का एक ब्रांच है, तो यहाँ पे हमको लाइसेंस मिलते हैं, लाइसेंस के टेस्ट यहाँ पे होते हैं कारों के, लेकिन अभी और ही किसी चीज का टेस्ट हो रहा है। तो सचकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल, चढ़ती कला, चढ़ती कला होनी चाहिए। पैकिंग हमारी डन हो चुकी है, एमरजेंसी में हमको कनाडा से जाना पड़ रहा है, बिकॉज क्या होता है ना कभी कभी जिंदगी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम का यहाँ पे कोई सलूशन नहीं निकला था, तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं इंडिया चले जाते हैं। इंडिया में तो हालात जो है ना काफी ठीक हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हालात जो है ना उतने नॉर्मल नहीं है। लॉकडाउन अभी भी खुला है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है फ्लाइटों में जाने के लिए, बहुत सारे जो फॉर्मेलिटीज है ना यहाँ से करके जानी पड़ती है, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम फ्लाइट्स में होती है। 3 दिन पहले हमने टिकट ली है और 2 दिन से पिछले फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, कुछ शॉपिंग भी की है। शॉपिंग वाला ब्लॉग जो है ना इसके बाद में डालूंगा, नहीं तो आपका पूरा सरप्राइज खत्म हो जाएगा। तो दोनों रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। कौन छोड़ के आएगा हमको? कैमरामैन। 7 बजे का टाइम है निकलने का यहाँ से और 6:40 हो चुके हैं। एयरपोर्ट जो है ना घड़ी है नहीं, घड़ी मैडम लगाती है, मैं नहीं लगाता। 6:40 ऑलरेडी हो चुके हैं। एयरपोर्ट हमारे घर से कितना दूर है? सिर्फ 10 मिनट की डिस्टेंस के ऊपर। ठंड में जाना कौन सा आसान बात है यार, लेकिन जाना पड़ रहा है। वीडियो के लास्ट में या वीडियो के बीच में आपको बताता हूँ कि कारण क्या है, रीजन क्या था कि इतनी जल्दी से ये डिसीजन लेना पड़ा। इतना बड़ा भी डिसीजन नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, लेकिन है कुछ ऐसी बात है जिससे हमको एकदम से ये डिसीजन लेना पड़ा। एयरपोर्ट के डोर के बाहर स्वागतम 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 स्वागतम। जाना किधर हुआ? इधर के इधर नहीं, इधर कोई बंदा नहीं है, अकेले घूम रहे हैं, कोई जाने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, बिकॉज आपको मालूम है ना इन दिनों में ट्रैवल लोग बहुत कम कर रहे हैं। इसकी मुंडी कहाँ गई? चल चल चल। फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड। ना ना रोई ना रोई ना, ना ना रोई ना। चल ठीक है। रस्ते में शराब का सेवन नहीं करना। Thank you.
इसका जाने का दिल नहीं कर रहा। देखो दिल तो कर रहा है, मैं आपको मिलने आई हूँ। मिलने सारे बंधन तोड़ के। आपको समझ नहीं लग रहा होगा अभी कि अभी कल तो एक वीडियो आई थी, वहाँ पे अच्छे बड़े थे, अभी आज ही क्या हो गया। हेलो मनदीप आ रही है नहीं यार, दिल्ली से रिसीव कर लेना इसको। नहीं 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 मैं नहीं आ रहा साथ, घर वाले बोल रहे हैं कि बिना बताए आ रही है, हमने बात नहीं करनी है, गुस्सा हो गया। किसी को नहीं बताया घर में कि मनदीप आ रही है। अभी देखो मैडम की स्क्रीनिंग हो रही है और मैडम गई, बाय बाय। तो मैडम को कर दिया हमने सी ऑफ। प्लीज प्रैक्टिस फिजिकल डिस्टेंसिंग, बोलते हैं कि इतना दूर रहो बंदे से। पार्किंग की वापस जाने के टाइम में पेमेंट करनी पड़ती है, पड़ गया इंडिया का 300। अभी ये जो टिकट है ना, कार पार्किंग से बाहर निकलेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आपने पे नहीं किया तो वो डंडा जो ना ऊपर नहीं जाएगा। जब हमारे जैसे देसी बंदे आते हैं ना एयरपोर्ट के ऊपर, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि पार्किंग याद रखने की, कि आपकी गाड़ी की पार्किंग कहाँ है। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ना शुरू हो गया, लेकिन एक बार दुबई में ऐसे मॉल के अंदर चले गए, पार्किंग लगा दी गाड़ी दुबई मॉल में, तो बाद में कार पार्किंग ढूंढने के टाइम में हमको 2 घंटे कार नहीं मिली। पागलों की जितना घूम रहे थे, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग बहुत ज़्यादा है ना। हो गया सारा कुछ, सब ठीक है? ओ माय गॉड, एयरपोर्ट जाते समय इंग्लिश चालू हो गई। फ्लाइट तो ये लगी हुई है, मैडम को हमने उधर उतार दिया। कैशियर भी बैठा हुआ है, कैशियर है ना। अभी ये कार्ड है ना, इनको वापस करने का टाइम आ गया, इन्हीं से लिया था, इनका ही है भाई साहब, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। मैडम जाएगी विनीपेग से टोरंटो, टोरंटो से जाएगी दिल्ली, लेकिन जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक मैडम दिल्ली से घर भी पहुंच चुकी होगी। 3-4 दिन में पूरी तैयारी करके मैडम को सी ऑफ कर दिया है इंडिया के लिए। सबसे जरूरी चीज है, अगर ये भूल गए तो अगर ये भूल गए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। हेलो महाराज कैसे हो? आराम करो आराम करो, तुम्हारा टाइम भी आएगा। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, कहाँ से शुरू हुआ ये सिस्टम। तो वो प्रॉब्लम की वजह क्या थी, मैडम को ना जो पित्ते वाली पथरी होती है ना, उसको गॉल ब्लैडर का स्टोन बोलते हैं, वो प्रॉब्लम हो गई थी। हमको इमरजेंसी में जाना पड़ा, मैडम को ना बहुत सारी वॉमिटिंग हो रही थी, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और मेरे को समझ नहीं आ रहा था, यहाँ पे कैमरा सेट नहीं आ रहा है यार। तो यहाँ पे ना जो पीआर लोग होते हैं ना, उनकी डॉक्टरी जो है ना वो फ्री होती है, पूरा हेल्थ कार्ड हमारे बने होते हैं, लेकिन इमरजेंसी में हम जब गए पैसा हमारा कोई नहीं लगता। लेकिन क्या फंडा होता है कि कुछ चीज़ों में यहाँ पे मेडिकल लाइन बहुत ज़्यादा स्लो है, जैसे हमारे इंडिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है राइट वे ऑपरेट कर देते हैं बंदा सही हो जाता है। पहले दिन हम इमरजेंसी में गए तो हमने इतनी बार टेंशन नहीं ली, मैंने बोला यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन जब डॉक्टरों से बात की, डॉक्टर बोलते हैं कि आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन है ना, इसको निकालने में 2 साल लग जाएंगे, ये ऑपरेट करने के लिए तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। ट्रीटमेंट करते हैं जब आपकी कोई एक्सीडेंट हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम आई है, अटैक हुआ है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है किसी के ऊपर, तो फिर उसी टाइम ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जब स्टोन का ट्रीटमेंट है ना, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिले करते हैं। दूसरी बार फिर क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद में फिर से मैडम को यही सेम प्रॉब्लम हो गई। तो मैं तो यहाँ नहीं था, मैं गया हुआ था कैलगरी ट्रिप लेके। आप सोच सकते हो कि घर में किसी को प्रॉब्लम पड़ जाए, आप घर में नहीं हो, इमरजेंसी में मैडम को फिर से जाना पड़ा, टैक्सी करके इमरजेंसी में गई, गाड़ी वो चला नहीं सकती थी, हालत बहुत खराब हो गई थी उसकी। तो फिर जब उस दिन 7 घंटा इमरजेंसी में बैठ के भी इमरजेंसी वालों ने फिर भी गॉल ब्लैडर का स्टोन जो है वो निकालने के लिए कोई तरतीब नहीं की, बीपी चेक किया और बस पेन किलर दी, दैट्स इट। तो फिर वहां पे ना थोड़ा सा मन जो है उदास हो गया, तो हमने सोचा कि यार ये प्रॉब्लम जो है ना अभी ज्यादा हो जाएगी, अभी बहुत सारी जो है ना कंडीशन है इंडिया जाने के लिए। टिकट पकड़ी, टिकट पकड़ने के बाद में आपका 72 आवर्स पहले का, जब आप दिल्ली लैंड करोगे या इंडिया में कहीं भी लैंड करोगे, तो उसे 72 आवर्स का आपके पास में कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, रिपोर्ट मैडम के पास थी। उसके बाद में एक आरोग्य सेतु नाम की ऐप है, वो डाउनलोड करनी होती, वो भी डाउनलोड करके दी। फिर इंडियन एम्बेसी को एक फॉर्म फिल करके देना होता है, पूरी उसमें डिटेल होती है अपनी, उसका जो लिंक है जहां से आप टिकट लेते हो ना, वो सब चीजें आपको दे देते हैं। फिर बाद में एक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली जहां हमने लैंड करना है, उनका एक फॉर्म होता है, उसमें भी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हम कहां से ट्रैवल कर रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं। 2 दिन पहले टिकट पकड़ी, फिर 1 दिन पहले
कोरोना का टेस्ट कराया, कल रात को उसकी रिपोर्ट आई और आज उसकी फ्लैट थी। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना सिर्फ गॉल ब्लैडर की वजह से, तो मैंने सोचा भी यहाँ पे ट्रीटमेंट की वेट करते रहे ना तो मालूम नहीं कितना लंबा हो जाएगा सिस्टम, तो इसलिए मैंने उसको भेज दिया। जो हम शॉपिंग करने गए थे ना वो भी वहां भी थोड़ी मस्ती की है, वो ब्लॉग जो है ना आपको इसके बाद में दिखाऊंगा। निकलना तो मेरे को भी साथ में ही था लेकिन इतनी इमरजेंसी में हर एक चीज जो है ना पॉसिबल नहीं होती। यहाँ पे मेडिकल लाइन जो है ना इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा स्लो है। हाँ, अगर आप इमरजेंसी में गए हो, आपको रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एक बार आपको सही करके निकाल देंगे, बाद में पैसा आपका कोई नहीं लगेगा। अगर आप पीआर हो, आप वर्क परमिट के ऊपर हो तो आपके हेल्थ कार्ड बने होते हैं, लेकिन टूरिस्ट वीजा वालों को अपना खर्चा खुद उठाना पड़ता है, इसलिए वो इंश्योरेंस करा के आते हैं इंडिया से जब भी आते हैं। टूरिस्ट वीजा वाले कभी भी इंश्योरेंस के बगैर यहाँ नहीं आओ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमने होती देखी है यहाँ पे, बहुत सारा बिल बन जाता है बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऊपर वाला करे ना करे लेकिन कुछ हो जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं तो मिलता रहूंगा आपका भाई आपको नई नई वीडियोस में, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब वाला बटन जो है ना वो मेरे नाम के साथ में आ रहा है, कैसे भी करना है उसको, गुस्सा मारो मुक्की मारो लेकिन सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए। हमारे बहुत सारे काम जो अटके हुए थे ना कोरोना की वजह से, क्योंकि ट्रैवल नहीं कर रहे थे हम कोरोना की वजह से, अभी वो सारे काम मैडम निपटा के आएगी, जो काम उससे निपटेंगे तो वो निपटाएगी, बाकी के काम आपका भाई निपटाएगा जब भी हम जाएंगे। मैडम फिर से अपने साथ ही जाएगी। अगर यहां तक वीडियो देख चुके हो तो लाइक किए बगैर अगर गए तो फिर हम नाराज हो जाएंगे भाई साहब। सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन रब रखा। अभी मैडम मिनी बैग से दिल्ली के लिए उड़ने वाली है, फिर उधर से शाम को फ्लाइट है टोरंटो से सीधा डायरेक्ट दिल्ली। अभी रास्ते में स्टेज टू नहीं होता लेकिन विनीपेग से डायरेक्ट दिल्ली नहीं जाती, इसलिए विनीपेग से टोरंटो, टोरंटो से दिल्ली। यही जिंदगी है, इसके हर एक मोड को फेस करना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। इंसान वही है जो हर एक चीज को फेस करने की हिम्मत रखे, बाकी जो करना होता है ऊपर वाले ने, मर्जी तो उसकी चलती है। तो करते हैं इस वीडियो को क्लोज, बाय बाय। यू कैन हैव व्हाटएवर यू लाइक व्हेन इट्स यू एंड आई। We can have the world.